हाय गाइज, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं फरेचार गेम्स। सो आज ये पहला दिन है इस चैनल का, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैनल के बारे में। ये चैनल गेमिंग पे बेस्ड रहेगा और इसके अंदर मैं प्रो एवोल्यूशन सॉकर मोबाइल 2021 खेलने वाला हूँ। और गाइज, इसमें मेरी एक जर्नी रहेगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक कार्ड से लेकर मैं आइकॉनिक लेजेंड कार्ड्स का कलेक्शन करके और पूरी एक टीम बनाऊँ। तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कैसे कैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है। जिन लोगों को PES के बारे में नहीं पता, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये फुटबॉल पे बेस्ड गेम है। और गाइस, इसमें हमें कार्ड्स कलेक्ट करने होते हैं और अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाना होता है। अच्छा, इस चैनल के अंदर मैं काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूँ PES को लेकर, तो उसमें भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, सब कुछ शेयर करूँगा आपके साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो और ज़्यादा जर्नी को इन्जॉय करने में मज़ा आएगा। अच्छा गाइस, चलिए सबसे पहले कर लेते हैं हम इस गेम का इनिशियल सेटअप, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गेम को। तो गेम जो है स्टार्ट हो गया है गाइस, एंड तो पूरा जो है इनिशियल सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करके गेम को स्टार्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया, आप जिस कंट्री के हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए गाइज, इनिशियल सेटअप जो है स्टार्ट हो गया है। तो अभी शुरुआत में आप जो भी आपको क्वालिटी रखनी है वीडियो सेटिंग्स की वो रख लीजिए, मैं हाई पे रखूँगा। एंड देन आप लोग अपना कंट्रोलर सेलेक्ट कीजिए। मैं कहूँगा कि आप लोग क्लासिक कंट्रोलर के साथ खेलेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है गाइज। सो गाइज, ये जो पूरा ट्यूटोरियल है ना, ये मैं थोड़ा सा स्किप कर दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तो ये हो गया है हमारा ट्यूटोरियल में पहला गोल। सो गाइज, ट्यूटोरियल वगैरह जो है मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें आपको सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद एक गेम भी खेलना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। सो अब हम लोग सबसे पहले करेंगे अपनी बेस टीम सेलेक्ट, ठीक है। तो मुझे जो टीम पसंद है वो है रियल मैड्रिड। तो इसमें जो है ना, नाम थोड़ा सा अलग अलग से दिए हुए हैं। तो रियल मैड्रिड का नाम जो है मैड्रिड मार्टन दिया हुआ है, पता नहीं अजीब सा नाम है। लेकिन हम लोग जो हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लेके जो है मैं इसको खेलूँगा। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैंने सेलेक्ट कर लिया है इंग्लिश लीग के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग अपना नाम डालेंगे, तो मैं अपना नाम डालूँगा गौरव, नहीं मैं एक काम करता हूँ FRHR गेम्स जो है इसका नाम डालता हूँ, ओके। सो ओनर हो गया FRHR गेम्स। नेशनैलिटी डालेंगे, वैसे हाँ सॉरी, मैं एशिया में देख लूँगा। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग बेस टीम वगैरह ये सब चीज़ें जो है एडिट कर सकते हैं, टीम नेम वगैरह, फुटबॉल स्टेडियम वगैरह। देन अब आप लोग सेलेक्ट कीजिए कोई कोच। तो गाइज, फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-1-2 और 3-1-3-3। तो ये जो है ये इटली के कोच हैं, और ये वाला फॉर्मेशन जो है मुझे बेहतर लगता है। राइट मिड फॉरवर्ड खिलाएगा इसमें अरम्ब्रू जो है, फॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये इसमें विंग में खिलाएगा प्लेयर्स को। सो गाइज, मैं इस फॉर्मेशन के साथ जाना पसंद करूंगा। तो इनको जो है मैंने साइन कर लिया है। अब ये डिफॉल्ट प्लेयर्स हमें कुछ मिलते हैं, ये डिफॉल्ट प्लेयर्स हमने सेटअप कर लिए हैं गाइज। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, इनिशियली जब हम लोग लॉगिन करते हैं ना, तो हमें ये शुरुआत में एक प्लेयर देता है, ठीक है। एक लेजेंड भी हमें मिलने वाला है, तो देखते हैं कौन सा लेजेंड हम लोगों को ये देगा। मेरे हिसाब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मेसी में से एक हमें लेजेंड मिलने वाला है। तो लॉगिन बोनस जो है हमें मिल गया है। तो गाइज, हमने जो है स्टार्ट कर दिया है चैनल को। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर आप लोग रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये बहुत सारे रिवॉर्ड्स हमें मिले हैं, तो हम लोग रिसीव करेंगे सबको।
तो जो है हमारा इनिशियल जो है अकाउंट इसमें बन गया है और जर्नी हमारी जो है शुरू हो गई है। तो अवेलेबल स्काउट्स जो हैं बार्सिलोना, अच्छा यहाँ पर क्लिक करके साइन ना करें आप लोग तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे में ये वाइड बॉल पकड़ा देता है बहुत बार। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अवेलेबल प्लेयर्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाइए, थोड़ा सा देखिए, क्लिक कीजिए, और जो एक्स्ट्रा प्लेयर हमें मिले हैं ना लेजेंड वगैरह साइन करने के लिए, लेजेंड तो नहीं मिला होगा इनिशियली, अभी हमें आइकॉनिक प्लेयर मिला होगा, एक शायद मैसी मिला होगा आइकॉनिक में, तो उसको साइन करने से पहले यहाँ से साइन कीजिए, क्योंकि अभी हमारा वाइट बॉल स्क्वाड पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा ऐप को लगेगा कि भैया हमारे पास प्लेयर नहीं है, तो हो सकता है हमें ब्लैक बॉल मिल जाए, तो उम्मीद तो यही है गाइज, अब देखते हैं। ठीक है, मैंने इन लोगों के ऐसे ही थोड़ा सा स्टैट्स वगैरह चेक कर लीजिए, देखिए क्या है क्या नहीं है, देन साइन पे क्लिक कीजिए एंड देखते हैं ब्लैक बॉल मिल जाए, ब्लैक बॉल मिल जाए, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, गाइज देखते हैं क्या मिलता है। और ये हमें मिला, अरे यार देखा गाइज, ये वाइड बॉल पकड़ा देता है हमेशा, तो फिर से हो गया कचरा, गोलकीपर दिया है वाइड बॉल वाला, स्पेन का गोलकीपर, कतई पसंद नहीं आया, शुरुआत बहुत ही ख़राब हुई, देखते हैं लक्की अकाउंट होगा या नहीं होगा गाइज। अब आ जाइए एजेंट में, दो प्लेयर हमारे पास, देखते हैं क्या देता है ये हमें। तो इनिशियली हमें के मुइरा, ये तो गाइज ये फ्री का प्लेयर है, ये हमेशा हर किसी को मिलेगा और इतना खास प्लेयर है नहीं ये, लेकिन चलिए प्लेयर है तो साइन तो कर ही लेते हैं, लेजेंड है। तो गाइज ये हमारा पहला लेजेंड जो है हमने साइन कर लिया है, तो लेजेंड जो है गाइज हमारा साइन हो गया है, के मुइरा म्यूरा। और ये हमारे पास एक और पड़ा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो इसको भी जो है हम साइन कर लेते हैं। तो ये आइकॉनिक मूवमेंट का हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिया है इन्होंने, कभी मैसी मिलता था पहले, अभी रोनाल्डो देने लगे हैं, तो ठीक है, दोनों ही प्लेयर बहुत बढ़िया हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट आइकॉनिक जो है हमारा कार्ड जो है कलेक्शन में आ गया है, धीरे धीरे हम लोग आइकॉनिक की पूरी टीम बनाएंगे, लेजेंड की पूरी टीम बनाएंगे और आइकॉनिक लेजेंड्स की भी पूरी टीम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये यूवेंटस में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो हमें मिले हैं। तो गाइज हमारा स्क्वाड जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। अच्छा अब ये बोलेगा कि रेगुलर प्लेयर, एक हमें फ्री प्लेयर मिलता है इनिशियली साइन करने के लिए, तो कौन सी पोजीशन में हम लोग प्लेयर को साइन करना चाहेंगे। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है ना गाइज, डिफेंसिव जो है प्लेयर उसको सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फॉरवर्ड में हमें रोनाल्डो ऑलरेडी मिल चुका है, हमारा डिफेंस वीक है ना, हमारे पास गोलकीपर है ना कुछ है, और वो लेजेंड भी जो हमें मिला है वो भी सेंटर फॉरवर्ड है। तो चलिए इसमें भी यही ट्रिक आजमाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग रैमोस के थोड़े से स्टैट्स पढ़ेंगे। अच्छा देखेंगे कि भाई क्या क्या स्टैट्स हैं रैमोस के। तो ये हमने रैमोस के स्टैट्स चेक किए, एक्स्ट्रा फ्रंटमैन जो है इनका स्टाइल है खेलने का, और रैमोस कितने अच्छे डिफेंडर है ये सबको ही पता है। इनको चेक करेंगे, वापस इनको चेक करेंगे, सी मोर पे क्लिक करेंगे, साइन पे क्लिक करेंगे, फ्री पे क्लिक करेंगे। उम्मीद कीजिए गाइज इस बार ब्लैक बॉल मिल जाए, ब्लैक बॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस गेम के अंदर, क्योंकि प्लेयर अच्छा खेलते हैं। तो यस देखा, ब्लैक बॉल मिल गई है गाइज हमें। सो डिफेंसिव जो प्लेयर है हमारा, हमें कौन मिला है देखते हैं। तो गाइज ये हमारा पहला डिफेंसिव प्लेयर जो है साइन हो गया है कुलीबाली, और एक गोल्ड प्लेयर भी हमें मिला है, और हमें मिला है एक सिल्वर। तो ये डिसेंट सी शुरुआत है हम लोगों की। अब गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये बोलेगा कि प्लेयर को कन्वर्ट करो ट्रेनर में, तो आप ट्राई कीजिए कि किसी भी प्लेयर को जो है ना कन्वर्ट आप ना करें, क्योंकि क्या होता है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं इनिशियली, अभी थोड़ा सा इनकी रेटिंग कम ज़रूर रहती है, लेकिन
ये लोग बहुत ज़्यादा काम आते हैं जब आप लोग सिमुलेट वाले मैच खेलते हैं, सिमुलेटर मोड भी है इसके अंदर, उसको जब आप लोग खेलेंगे तो तब आपके बहुत काम आने वाले हैं ये वाइट बॉल प्लेयर्स। तो इनको बचा के रखिए, इनको कन्वर्ट मत कीजिएगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ट्रेनर्स पड़े रहते हैं प्लेयर्स में जाके। क्रिस्टियानो को पहले तो हम लोग फुल रेटिंग कर देते हैं क्रिस्टियानो की, ठीक है। ये मैंने 4 सेलेक्ट कर लिए, तो देखते हैं कितने तक जाता है। सो क्रिस्टियानो जो है हमें मिला है ये 99 रेटिंग तक जाएगा, 13। अभी और ट्रेन करते हैं इसको, 1, 2, 3। सो गाइज 16 पूरा ट्रेन करूंगा मैं इसको। देख लेते हैं गाइज, ट्रेनिंग भी आप ध्यान देके कीजिए क्योंकि अब 12,000 जो है वेस्ट हो जाएगा। तो 3,500 का हमारे पे नहीं है, तो इसको हम अभी 98 पे ही रहने देंगे। इसको फ्यूचर में हम लोग जब गेम खिलाएंगे ना तो तब भी ट्रेन होता है प्लेयर और उसकी रेटिंग बढ़ती रहती है, तो इसको 17 पे हम लोग छोड़ देंगे। अब आ जाइए कुलीबाली पे गाइज, इसको भी हम लोग जो है ट्रेन कर लेते हैं। जी हाँ, 93 तक इसकी रेटिंग गई है, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है गाइज। बाकी प्लेयर को मैं अभी ट्रेन नहीं करूँगा गाइज, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमें धीरे धीरे जब और प्लेयर्स मिलेंगे तो उनको ट्रेन करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग के पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो मैं तब तक बचा के रखूँगा। अच्छा, कोई प्लेयर मैं कन्वर्ट नहीं करने वाला। चलिए इनिशियली कन्वर्ट करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ गोल्ड कॉइन या कुछ ये हमें पकड़ा दे, ठीक है। तो एक प्लेयर कोई भी बिल्कुल कम रेटिंग वाला, जैसे कि हमें ये इनकी रेटिंग मैक्सिमम जाएगी, तो मैं एक काम करूँगा इस गोलकीपर को जो है कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमने जो है कन्वर्ट कर लिया है गोलकीपर को, तो एक हमारी अचीवमेंट और क्लियर हो गई। अब ये मुझसे फिर से करवाएगा ट्रेनिंग जबकि मैंने ट्रेनिंग कर ली है। तो के मुइरा को हम लोग ट्रेन कर लेते हैं गाइस, तो के मुइरा को हम इसके थ्रू ट्रेन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए गाइस, इतना अच्छा कार्ड ये है नहीं, ज़्यादा ट्रेन होगा नहीं तो इतना मज़ा आने वाला नहीं है। अब आ जाइए अचीवमेंट्स। तो गाइज़ यहाँ पर अचीवमेंट्स आएंगी, यहाँ से आप लोग जीपी वगैरह सब कुछ क्लेम कर सकते हैं। तो 240 हमारे पास कॉइन्स हैं, कमेंट्री वगैरह लेटर डाउनलोड कर लेंगे। अचीवमेंट्स और भी हैं, एक और कॉइन मिल गया है भाई। चलिए अब कॉइन देना बंद कर स्क्वाड मैनेजमेंट में जाएंगे गाइज। हमारा गोलकीपर निकल गया है क्योंकि मैंने उसको हटा दिया था, ये वाले गोलकीपर को हम लोग सेट कर लेंगे। अच्छा गाइज, अब एक काम करेंगे, सबसे पहले तो सेंटर फॉरवर्ड बेकार वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेंटर बैक भी हम लोग क्या करेंगे बेकार वाला ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अब हमें खर्चने हैं ये गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो इनको खर्चा करने का फ़ायदा ये होगा कि क्या पता हमें कोई आइकॉन ही मिल जाए, लेट्स सी क्या होता है। तो हम लोग जाएंगे गाइज कॉन्ट्रैक्ट में, एजेंट देन स्पेशल। तो गाइज देखते हैं आइकॉनिक मूवमेंट में कौन कौन से हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास है रुमिनेगे। सो गाइज ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है और आइकॉनिक मूवमेंट जो होता है ना गाइज बहुत मुश्किल से मिलता है। सो लेट्स सी कि ये अकाउंट लकी है या नहीं है। वही सेम चीज़ करेंगे हम, सारे जो हैं आइकॉन्स उन पे क्लिक करके देखेंगे। ये हमने किया, देन सी मोर पे क्लिक करेंगे गाइज, साइन पे क्लिक करेंगे और दुआ कीजिए गाइज कि रमिनेग मिल जाए आइकॉनिक मूवमेंट। नहीं मिला, कोई बात नहीं गाइज, अभी हम पे 100 कॉइन और हैं खर्च करने के लिए। तो इसने चलो हमें एटलीस्ट ब्लैक बॉल दी जो बहुत अच्छी चीज़ है गाइज। ब्लैक बॉल हमारे पास जितनी ज़्यादा होंगी उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो हमें जो कार्ड मिला है गाइज
वो मिला है मिकेल ओरियाज़बल, लेफ्ट विंग फॉरवर्ड की बहुत ज़रूरत थी गाइस, बहुत बढ़िया चीज़ है, ये भी एक बहुत बढ़िया प्लेयर मिला है। अच्छा गाइस, अभी POTW प्लेयर ऑफ द वीक भी आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को, अगर आप अभी अकाउंट बना रहे हैं, तो रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से ना ये फीचर्ड कार्ड्स की ब्लैक बॉल मतलब आपको वो ही मिलेगी, गोल्ड या सिल्वर नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग इधर खर्चा करने के बजाय, ये बायन मेंशन के ऊपर खर्चा करने की बजाय आप लोग इधर खर्चा करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको प्लेयर ऑफ द वीक मिलेगा जिसने इस हफ्ते में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, और वो सारी ब्लैक बॉल हैं इस हफ्ते, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं कहूँगा कि बाकी का 100 भी मैं इधर लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर रिस्क है। तो अब देखते हैं, क्या बोलते हैं आप, रिस्क ले लूँ? चलिए गाइज, इसको छोड़ते हैं और मैं आप लोगों के लिए रिस्क ले लेता हूँ, देखते हैं, क्या पता हमें 100 में आइकॉनिक मोमेंट मिल जाए। फिर से मैं इसके स्टैट्स चेक करूंगा, ये मैंने स्टैट्स चेक किए, स्टैट्स चेक किए, गोल पोचर इसका प्लेइंग स्टाइल है। फिर मैं छठे पे क्लिक करूंगा गाइस, दो बार क्लिक करूंगा, एंड देन गाइस प्लीज 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 इस बार आइकॉनिक मूवमेंट चाहिए गाइस, नहीं मिला गाइज, यही होता है इसमें, बड़ी मुश्किल से मिलता है आइकॉनिक मूवमेंट। मैंने देखा है लोग 3-3, 4-4 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं, देखो 100 में क्या मिला, हमें मिली एक सिल्वर बॉल, इसका अचार डालूं मैं? चलो कोई बात नहीं गाइज, वो 100 रुपये मैं उधर खर्चा करके ना डिबाला ले सकता था, लुकाकू ले सकता था मैं, एलबा ले सकता था मैं, बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पर, लेकिन मैंने जो है 100 कॉइन उधर बर्बाद किए। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, अगर आप पे कम कॉइन है तो प्लेयर ऑफ द वीक ले लीजिए, आइकॉन बाद में देखिए। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारी ब्लैक बॉल्स हैं तो आप उधर ट्राई कर सकते हैं। तो अब आ जाइए अचीवमेंट्स, फिर से क्लेम करते हैं। सो गाइज, हमारा जो पहले दिन का स्क्वाड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा स्क्वाड बना है वो ये बना है। ठीक है गाइस, अच्छा मैं एक चीज और कहूंगा कि चलिए गाइस, 100 कॉइन और आ गए हैं, तो इस बार हम लोग ब्लैक बॉल के लिए ट्राई करते हैं। इस बार हम लोग वहाँ ये बायन मंचन को थोड़ा सा लालच कम करते हैं और इधर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें कौन सी बॉल मिलती है। लुकाकू मिल गया तो गाइस बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मज़ा ही आ जाएगा। लेफ्ट विंग फॉरवर्ड में रोनाल्डो खेलेगा, सेंटर फॉरवर्ड लुकाकू खेलेगा। चलिए गाइस, गोलकीपर मिला, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गोल हमें बचाने भी हैं, हमारा गोलकीपर थोड़ा सा ऐसा ही है। तो गाइस, ब्लैक बॉल गोलकीपर राडेकी हमें मिला है। चलिए गाइस, 91 इसकी रेटिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली प्लेयर को ट्रेन करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। अब मैं अचीवमेंट्स वगैरह बाद में कलेक्ट करूँगा, पहले हम लोग प्लेयर की ट्रेनिंग करेंगे। सो ओरियाज़बल को हम लोग ट्रेन कर लेते हैं इनिशियली, तो 5 मैंने इसको दे दिए हैं, उम्मीद है 5 ट्रेनर्स में इसका काम हो जाएगा, लेट्स सी। भूखे हैं, भूखे भूखे हैं ये लोग गाइस, इनको बहुत भूख लगती है, इनको सारे ट्रेनर पकड़ाने पड़ते हैं तब जाके जो है ये फुल ट्रेन होते हैं। 92 जो है इनकी रेटिंग पहुंच गई है, अभी गोलकीपर को भी जो है हम लोग ट्रेन कर लेते हैं। आज ये गोलकीपर साहब आपकी भी ट्रेनिंग हो जाए, 8 ट्रेनर मैंने इनको दे दिए, देखते हैं क्या होता है। इनको भी शायद और भूख लग सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी 91 रेटिंग है, मुझे लगता है 95 या 96 तक इनकी जो है रेटिंग जाएगी, 94 ही गई। चलिए
चलिए कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। तो गाइज अब इनको हम अपने स्क्वाड में डाल लेंगे। आ जाइए स्क्वाड में एंट्री, स्वागत है आपका। ये बन गया स्क्वाड। सब सेंटर बैक हम लोग इसको खिलाएंगे गाइज, और एक सेंटर बैक हम लोग इसको खिलाएंगे, ठीक है गाइज। और यहाँ से हम लोग इनको ले जाएंगे अपने मेन स्क्वाड में। अटैकिंग मिड फॉरवर्ड हमें चाहिए, लेफ्ट बैक, डिफेंसिव मिड फॉरवर्ड हमें चाहिए। तो ये वाला लेफ्ट बैक हटा दीजिए। सो गाइज ये हमारा जो है स्क्वाड हो गया रेडी, ठीक है। चलिए आइए एक गेम खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा पहला मैच है ये इवेंट्स का, एक गोल करना है गाइस, मात्र एक गोल, 25,000 जीपी मिलेगा। सो गाइस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, अब जरा देख लिया जाए अपोनेंट क्या है। भाई साहब अपोनेंट भी काफी स्ट्रांग है, पोग्बा भी है इनके पास और इवन पेरिसिच भी इनके पास है, लेकिन इनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है शायद मेरी टीम की होगी। जी हाँ बिल्कुल, उनकी 1760 समथिंग है, मेरी 2368 है, क्योंकि अपने पास रोनाल्डो है भाई। रोनाल्डो को वो खिला नहीं रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बचा रहे होंगे उनका। सो गाइस एक गोल हमें करना है, एक गोल हमने कर दिया अगर तो 25,000 जीपी जो है हमें मिल जाएगा, और ऐसे ही हम लोग इवेंट्स को करते जाएंगे तो हमें बाकी के जीपी भी मिलते जाएंगे। सो गाइस क्या रोनाल्डो कर पाएगा? सो गाइज अपोनेंट जो है मैच जो है एंड कर दिया है, ठीक है। तो हम लोगों को जो है विन मिल गई है, तो पहला गेम हम लोग जीत गए हैं। 1800 जो है जीपी हमें मिला है, और साथ के साथ हमें 25,000 इवेंट कम्प्लीशन का भी मिलेगा। सो गाइज उसको आपको कलेक्ट करना है, तो आप लोग यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन हो गया। तो पता नहीं ऑनलाइन मैचेस में होता है इवेंट जो है वो प्लेयर्स जो होते हैं वो डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, उसकी वजह से भी आप लोग जीत जाते हैं कई बार। तो ठीक है ये अपने लिए बोनस ही था। चलिए गाइज तो ये हमारा जो है पहला दिन था। आप लोगों को मैं अपना स्क्वाड एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो हमारे पास अभी हैं 4 ब्लैक बॉल, जिसमें से एक जो है आइकॉनिक ब्लैक बॉल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बाकी की हमारे पास एक फीचर्ड ब्लैक बॉल है राइडेक हमारा गोलकीपर, और हमारे पास है कुलीबली सेंटर बैक, और हमारे पास लेफ्ट विंग फॉरवर्ड है ओरियाजबल। सो गाइज ये हमारे पास 4 प्लेयर हैं। धीरे धीरे हम लोग स्क्वाड को इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे इस जर्नी को फॉलो करते जाएंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया और जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे थे FRHR Games।